Well, first of all, congratulations, Team XO. You are AMD Sky Sports Grand Slam champions. कैसा लग रहा है आप सबको? जबरदस्त. Well, मैं पूछना चाहूंगा, देखिए हम सब जानते हैं बहुत घंटों की ग्राइंड लगती है, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, उसके बाद ये टाइटल जीत के कैसा लग रहा है आप सभी को? कुछ एक्सप्लेन, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? काफी मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला. एंड जैसे कि अभी स्नैक्स न्यू एडिशन है तो यू नो सिनर्जी और अच्छे से बैठ पाई इस टूर्नामेंट के थ्रू. बहुत कुछ मतलब पता लगा, बहुत कुछ स्नैक्स ने अपनी यू नो एडप्ट करी चीजें एंड पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया. जी हाँ, देखिए एक और सवाल मेरे इस तरफ से भी होगा, इट इज़ इन टर्म्स की आपको इस पूरा टूर्नामेंट में कौन सी टीम जो सरप्राइज की, बिकॉज आप वो एक्सपेक्ट नहीं किया, मे बी आप उनको फेस ऑफ किया और वो आपके आई वुड से जो फाइट था फेस ऑफ था वो बेहतरीन तरीके से कंक्लूड करते हुए दिखी, हु वुड दैट टीम बी? एक्चुअली ऑब्वियसली सोल ऐसी टीम है क्योंकि देखो जस्ट उनके लाइनअप बहुत न्यूली फॉर्म हुई है एंड स्टिल उन लोगों ने इतना अच्छा खेला. मतलब हमने सोचा नहीं था कि मतलब सोल इतना अच्छा खेलेगा क्योंकि नई टीम थी एंड बहुत उनने अमेज कर दिया सबको एंड आगे और टूर्नामेंट्स में मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम रहने वाली है. जी हाँ, ऐसा कोई मूवमेंट सेंसे एंड कंपनी जो आपको लगा हो, जो आप यू नो कभी कभी होता है ना आप मैचेस खेलते हैं कोई ऐसे मूवमेंट्स आ जाते हैं मैजिकल मूवमेंट जो आप कभी भूल नहीं पाते, इस टूर्नामेंट के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? ऐसे एक्चुअली हमें मतलब 50% ऑफ द टूर्नामेंट में ऐसे मूवमेंट थे हमारे, हमें ऐसा चोक करा पूरा टूर्नामेंट, हम कभी नहीं भूल पाएंगे इस टूर्नामेंट को. I would say especially जो आज फियर्स का ग्रेनेड आया था वो मैजिकल नेड था, इसका मजा आ गया. हाँ तो अभी हमने नेड की बात करी, अब थोड़ा हील बैटल की बात करते हैं. जो सेकंड अभी लास्ट सैनो को हमने विटनेस किया फियर्स की तरफ से, अकेले प्लेयर बचे थे, दैट वाज अ इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस कमिंग इन फ्रॉम हिम. क्या क्या कॉल आउट थे उस टाइम जब तीन प्लेयर नॉक थे, व्हाट वाज द कॉल आउट, व्हाट वाज थिंकिंग बिहाइंड इट? नीचे कूद जा और हील बैटल कर, हमने बोला बाघ कचरा वा, ये सीधा जहां से जगह मिली सीधा चला गया. काफी इसने मतलब बढ़िया परफॉर्म करा. एक्चुअली जो टीम पीछे से आई थी हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहां से कोई टीम आ सकती है, हम वहां से बिल्कुल ओपन थे एंड अचानक कॉल आया कि भाई पीछे बंदे आ गए, जब तक सब मुड़े तब तक तीन नॉक हो गए, तो फिर भाग है सिर्फ. भाग बट जी हाँ, देखिए आपका जर्नी जो था इट वॉज लाइक, पहले शुरुआत में हमें XO कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही थी, बट उसके बाद इमीडिएटली जब मौका मिला आप उसके ऊपर खड़े उतरे और पॉइंट्स लेते गए हर एक टीम को डिनाई करते हुए नजर आया, तो आपका पूरा जो जर्नी था और आपका जो कंपटीशन लेवल बाकी टीम से आपने फेस ऑफ किया उसको अगर सम अप करना चाहते हो तो आपको लाइक क्या चल रहा था दिमाग में जब खेल रहे थे 42 मैचेस ऑन अ स्ट्रेच? बताओ पंख. नहीं, कंसिस्टेंट रहना मेन वही टारगेट था, जब इतने सारे मैचेस होते हैं 42 मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब एक टूर्नामेंट के लिए 7 दिन कंटिन्यूस खेलना, एक भी दिन आपका थोड़ा नीचे रहेगा तो वो बहुत भारी पड़ जाता है, तो कंसिस्टेंट रहना मेन फैक्टर था एंड हम लोग कंसिस्टेंट थे. एक आधा दिन थोड़ा ज्यादा स्कोर कर सकते थे बट चोक हो गया, थ्रो हो गया मैचेस, ये टूर्नामेंट में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए बट फिर भी हम लोग फर्स्ट पे आ गए कैसे ना कैसे करके, बट वी मेक श्योर कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में ये मिस्टेक्स ना हो, थोड़ा डोमिनेशन करे अच्छे लीड के साथ. फ्री होके खेले लास्ट दो दिन, मतलब लास्ट सेकंड डे में तो बहुत ज्यादा चूक कर दिया था हम लोगों को, वही टाइम पे क्लोज करना था टूर्नामेंट बट हो नहीं पाया था, बट फिर ठीक है लास्ट डे अच्छा गया तो जीत गए. Well, you know, I have to say, आप कह रहे हैं कि आपने गलतियां बहुत करी, but guys, you're the champions. You're the champions of AMD Sky Sports Grand Slam, क्योंकि for us, you've been the most consistent team in this tournament. Thank you. एक सवाल रहेगा मेरे साइड में कि जब आप एक चैंपियंस टाइटल जीत जाते हो व्हाट डज इट मीन कि आगे आने वाले जर्नी आपके लिए कैसे रहेगा, क्योंकि आप अभी चैंपियंस बन चुके हैं, नाउ यू हैव ऑल द ब्रैगिंग राइट्स इस एएमडी स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम के विनर बनने के बाद, सो व्हाट इज इन द फ्यूचर फॉर XO अभी जैसे आगे जाएंगे टूर्नामेंट्स के साथ? एक्चुअली फ्यूचर का मतलब पहले जो अभी हमने इस पूरा टूर्नामेंट को खेला है पहले उसको एनालाइज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में जो गलतियां हो रही है उन पे पहले ध्यान दें तभी फ्यूचर के बारे में आगे सोचने का मतलब है. तो इस टूर्नामेंट से सीखेंगे जो भी मैच है, स्टार्टिंग से पूरा टूर्नामेंट बैट के साथ में देखेंगे एंड फिर आने वाले टूर्नामेंट में ट्राई करेंगे मिस्टेक्स ना हो एंड जीतेंगे. और क्या. वेल बिल्कुल, बट मुंबई में एक सेरेमनी होने वाली है गाइस, क्या आप एक्साइटेड हैं उस सेरेमनी के लिए? बट यस उनके हाथ से आपको यहाँ पे ट्रॉफी दी जाएगी. फियर्स तो मुंबई आ चुके हैं पहले भी,
बट जी हाँ, देखिए एक पूरा टीम जो आप यहाँ पे खड़े किए ना, आई विल आस्क यू सेंसेई, जो आप IGL हो, आपको कितना मुश्किल हुआ इन सबको हैंडल करने में, क्योंकि सबका अलग अलग प्ले स्टाइल होता है, सबको आपको थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, और वॉज देर लाइक कि आप इनको फ्री बर्ड जैसे छोड़ देते? एक्चुअली हमारा जो गेम प्ले है वो काफी स्ट्रेटेजिकल है, हम बहुत मतलब ऐसा कोई भी हम मतलब ऐसा कुछ मूव नहीं करते जिससे हमारी टीम को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, हम जो भी हम करते हैं हमारे प्री प्लान रहता है पूरा टूर्नामेंट की ये करना है, और हर सर्कल के हिसाब से अलग रहता है, तो हम बहुत स्ट्रेटेजिकली खेलते हैं, ओवर एग्रेसिव नहीं करते, हमारा मेन फोकस रहता है चिकन लो, एंड एंड में तुम एंड तक जाएंगे तो ऑब्वियसली 15-20 किल ले लेंगे, तो यू नो एक स्लो एंड स्टडी हम रखते हैं पूरा टूर्नामेंट में, जो हमारा वो प्ले होता है स्लो एंड स्टडी रखते हैं, क्योंकि वही मैटर करता है, आप एक गेम में अच्छा खेल लो, एक गेम में अगर हम एग्रेसिव ट्राई करें उसमें 20 किल चिकन ले लें, एंड अगले गेम में फिर हम एग्रेसिव के चक्कर में अर्ली कैजुअलिटी ले लें, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, तो क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी प्लेयर्स का डाउन होता है, फॉर एग्जांपल एक गेम अच्छा ले लिया अगले गेम बेकार, तो ऐसे बोलेंगे यार इस गेम में चोक कर दिया, पिछला गेम बेटर था नो, तो एक आप स्टडी मूव करोगे ना पूरा टूर्नामेंट से, तो एट द एंड वो आप टूर्नामेंट जीत जाओगे। well, ये बहुत ही सही चीजें यहाँ पे सेंसे ने बताई है, एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग, जो भी यंग प्लेयर्स यहाँ पे सुन रहे होंगे वो जरूर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। वही सेंसे यहाँ पे यंग प्लेयर्स तो सुन रहे हैं, बट बहुत सारे फैंस भी यहाँ पे आपकी बातें सुन रहे हैं, जो लेट्स एक्सो चैट में स्पैम कर रहे हैं अभी के लिए, क्या आप उनको कुछ कहना चाहोगे एज अ टीम, क्या आप उनको कुछ कहना चाहोगे? यही बोलूंगा बस सही कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो और हम लोगों को सपोर्ट करते रहो, बाकी जो भी मतलब तो अपने फैंस से मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जैसे कोई भी टीम परफॉर्म करती है तो सबको सपोर्ट करो, यू नो सब सारे प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद चैट देखते हैं एंड अच्छा लगता है उन्हें, अगर उनका मतलब यू नो सपोर्ट करे उन्हें, तो अपने फैंस से तो यही बोलूंगा हमें सपोर्ट जैसे कर रहे हो बाकी सबको ऐसे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं और सबका एम एक ही जीतना है टूर्नामेंट। जी अभी जीत चुके हैं यहाँ पे 100, मेरा आखिरी आई मीन ये सवाल नहीं होगा बट सेलिब्रेट आप कैसे करोगे? That's good नहीं, मतलब जनता जानना चाहती है पार्टी कहाँ पे है? सेलिब्रेट कैसे करेंगे? उतने भी होते, दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है भाई, वो खेलना चाहते हैं। दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, खेलने जाएंगे अभी, जैसे इंटरव्यू का तो होगा। आपको पूछ रहे हैं। कुछ सेलिब्रेट नहीं भाई, गलतियां ढूंढेंगे। बैक टू द ग्राइंड, बैक टू द ग्राइंड। Well, back to the grind, as the champions do, एक टूर्नामेंट खत्म, अगला टूर्नामेंट शुरू, एंड स्काई स्पोर्ट्स का जो रोड मैप आ रहा है वो भी काफी कमाल का, लैन इवेंट्स भी होंगे, बड़े बड़े प्राइस पूल ये भी यहाँ पे आने वाले हैं, एक्सो को देखने के लिए हम बेताब रहेंगे, बट अभी के लिए टीम एक्सो, यू आर द चैंपियंस ऑफ AMD स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हम भी देखना चाहते हैं सेलिब्रेशंस, तो जरूर आपकी भी इंस्टा हैंडल्स पे हम जरूर वो सेलिब्रेशंस की पिक्चर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.